अरे यार ये भी लगा इसमें। तो गाइस आज तुम्हारा पॉपट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं जस्ट अभी नहा आया हूँ। देखिए भाई, हीटर के आगे बैठा हूँ। या भाई, ये मेरे आगे बैठा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, अरे रुक जाओ यार, क्या बात कर दी तुमने। देखिए टाइम देख सकते हो, यकीन दूसरे लोग बात करते हैं। तो गाइस ये व्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ, गाइस देखिए, ये व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रहा कि भाई मैं नहा कर हूँ सुबह के 7 बजे सर्दी में। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ गाइस, मेरे पास कार नहीं थी, तो भाई हम बेकार थे, ठीक है। जिन लोगों के पास कार नहीं होती वो बेकार होते हैं। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोचना। फिलहाल हम गाइस बेबस है, हमारे पास बस नहीं है। जब हमारे पास बस आ जाएगी, हम बस खरीद लेंगे, हम बेबस भी नहीं रहेंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम पर, मुद्दे पर। देखिए गाइस, हमारे पास सेंट्रो भी और भाई क्रेटा भी है। जब मैं क्रेटा लेती, उससे पहले हमने गाड़ी के अंदर यानी कि अपनी सेंट्रो के अंदर बैटरी डलवाई थी बिल्कुल नवी। अब भाई सिंपल सी बात है, लोग करते क्या, बैटरी लेते डिब्बा ऐसे भाई उछाल के फेंक देते हैं। तो भैया वही हमने किया। उसके साथ गाइस को वारंटी कार्ड भी पता नहीं कहाँ गया भाई साहब, नहीं मिल रहा। लेकिन मानिए गाइस, हम बैट वाले के पास गए, तो भैया कह रहे भैया कार्ड लेकर आओ, वारंटी कार्ड लेकर आओ, तब होगा। अब यार बड़ी दिक्कत है भाई, ना तो वारंटी कार्ड है ना भाई बिल है। अब गाइस प्रॉब्लम हुई क्या है बैटरी में, ये तो मैं आपको खैर गाड़ी में जाके बताऊंगा। फटाफट चलते हैं गाड़ी के पास। तो गाइस मैं आ गया हूँ, वो मेरे भाई सहपाठी। तो भाई आ गए अपनी सेंटर के पास। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, इसमें डाल होगी भाई। एक काम कर, धक्का दे रहा हूँ आगे से पीछे को निकालने। आगे धक्का दूंगा ना, पीछे जाएगी ना। ये उल्टी खड़ी कर दी भाई किसी ने गैराज में, जबकि क्रेटा इधर खड़ी है इस तरीके से, और ये इस तरीके से खड़ी है, इधर को जा रही है और ये बाहर की तरफ जा रही है। भाग रास्ता हो जा रहा, और भाई ये खड़ी है हमारी उल्टी। किसी भाई ने हमारे घर में सदस्य कार पे चलाते हैं तो गाड़ी उल्टी खड़ी कर दी। थिंक भाई शो काम है, चौक लगा लो, चौक मान लिया। और गड़बड़ हो रही है भाई, अरे मुंडा इधर को हैंडल सीधा थोड़ी निकल जाएगी, गड़बड़ कर दी ना, अब पीछे धक्का मारना पड़ेगा। अरे हैंडल मोड़ो ना था भाई, अकेला आदमी क्या करेगा। मान लिया, रुक जा भैया, पहले एक काम जरूरी है, पहले ऐसा कर लेता हूँ। देख देख के इधर से, इधर से, इधर से सीधा निकाल लो, सीधा। एक हाथ से धक्का मारा कभी किसी ने, किधर को ले ले भाई, चल 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 चल, चल। अरे भाई धलाने दा, एक हाथ से धक्का मारने का बड़ा केड़ा काम है भाई। ओ गई 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 गई, मैं जूते पड़ रहे हैं जूते। ये बैटरी चली जाएगी ऐसी, धक्का मारना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है भाई, कॉल करनी पड़ेगी भाई शो को भी। भाई से तो गए, बना लो किसी को भाई, फौजू भाई है वो ना बुला रहा हूँ। यहाँ कोई भाई ना भाई, भाई अपनी ताकत का अंदाजा आज पता लगा गाड़ी में धक्का मार के, जूते रपट रहे, ताकत की कमी ना। और घुमा, बस 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 धक्का लगाओ, बस अब सीधा कर लो। मैंने फौजू भाई को बुला धक्का मारने के लिए स्पेशल। खोले जा रहा था, खोलिए इसका, आगे खोलो। अरे बैटरी लग सकानी पड़ेगी भाई, जो बात है ना, दिक्कत भाई क्या हो रही है, बोनट खोलो फटाफट, छोड़ दो। दिक्कत हो रही है भाई, ये बैटरी लूज हो जाती है। कौन सा, अरे यार ये भी लगा इसमें, स्टार्ट होने की भी ना, ये हो चुकी है खराब, और कहीं से ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है अपना। तो भैया मजूरी तार हटाना पड़ता है इसका, जो वारंटी कार्ड है वो खो गया है, बिल भी खो गया है। ये भी नहीं बता सकता इसी बैटरी कब आई थी। संजीदा अरे गाड़ी स्टार्ट हो गई, अरे भाई अरे वाह, इसका बहुत बड़ा वायर है। किस चीज का वायर भी है, कमाल हो गया अभी जो बात है, डिग्गी का, अच्छा डिब्बी का है ये, बढ़िया स्टार्ट करो। तो जा गया, तो भैया करते हैं फिलहाल बंद, ये हो गया वाला स्टार्ट हमारी, और हम बैठते अंदर। अरे चाबी दे देना, रुक जाओ फटाफट, गेट लगा दे इसका, ऐसे लगा दो उल्टा सीधा, क्या मैंने मतलब गेट सीधा लगाना, उल्टा देगा लगेगा ही नहीं, बस बाहर निकल जाओ, लगा दो फटाफट ये वाला गेट, एक बार उल्टा लगा रहे हो, चलो बस। तो भाई ये इसकी चाबी, गाड़ी के अंदर बैठते हैं फटाफट, चलते हैं भैया बैटरी वाले भैया के पास। भाई क्या क्या दिक्कत हो रही है, फ्यूज भी खराब हो रहा है गाड़ी में, आवाज भी आ रही है। सीट बेल्ट लगा ले, मैं सो रहा लोकल है, देखियो क्रेटा थोड़ी से बोल रही सीट बेल्ट। अरे भाई साहब फंस गई, अरे निकल गई यार, कभी ऐसा हो सकता है ऑटोमेटिक सीट बेल्ट लग जाए। भाई फटाफट चलते हैं बैटरी वाले भैया के पास। गाइस मेरी उनसे बात हो गई है, कहते भैया आ जाओ, फिलहाल नहीं मिल रहा, तो भाई पुरानी बैटरी ले जाओ, जब तुम्हारी बैटरी आ जाएगी नहीं ले जाना। लेकिन गाइस प्रॉब्लम यह है कि भाई ये नहीं पता कि बैटरी आई कब है, परचेज हमने कब की है, जिसके ऊपर QR कोड होता है उससे गाइस हम पता लगा सकते हैं, हम नहीं पता लगा सकते, सॉरी बैटरी वाले पता लगा सकते हैं। ये भैंस तो अपने लग रही है, अरे हाँ भाई हम इनका दूध पीते हैं। तो भाई ये जो जा रही है ना, हम इन्हीं का दूध पीते हैं, कलुआ की है ये, कलुआ की भैंस है, आराम से आराम से आराम से आराम से, बड़ा जानवर है, गुस्सा आ गया ना तो कुछ भी कर सके। तो गाइस हम आ गए हैं, गलत खड़ी करी है, गलत खड़ी करी, बिल्कुल गलत खड़ी करी है गाड़ी, जिसने खड़ी करी है, खड़ी करी है, खड़ी करी है। अरे भैया पर्सनल है, मैं तेरे पास पर्स है, दे दे कुछ जरा खुला। कौन बैठे हैं वहाँ, बैटरी बैटरी है, ये ओनर है। हाँ इन्होंने QR कोड स्कैन कर लिया था और कंपनी को सेंड कर दिया था कि भाई इसकी डेट निकाल लो, लेकिन कंपनी इतनी ढील है कि भाई अभी तक डेट ही नहीं निकाली उन्होंने, जो QR कोड है ना जो स्कैन हुआ था, कि भाई पता करो उसका मतलब डेट कौन सी है, परचेस कब है या मैन्युफैक्चर डेट कब है। तीसरा दिन आज गाइस, यकीन मानिए मैं पहली बार आया था, मैं 30 दिन बाद आया हूँ और अभी कुछ पता ही नहीं है भाई। गाइस ये कह रहे हैं कि भाई हमें बैटरी देनी पड़ेगी, हमें बैटरी इनको देनी पड़ेगी, ये कंपनी जाएगी फिर आएगी वहाँ से, बड़ी दिक्कत है भैया। इतना आप एक काम करो, दूसरी बैटरी दे दो, आपके पास तो कोई पुरानी बैटरी। ये बहुत अच्छी बात की, इन्होंने काफी अच्छे सज्जन आदमी है, इन्होंने बैटरी का बंदोबस्त कर रखा है दूसरे का, तो हंस के देखाओ। तो भाई काफी दिक्कत हो रही बिना बैटरी के गाइस, क्योंकि हमें जाना रहता है लोकल में, हम आलू टंडा प्याज इसी से लेने जाते हैं,
है पापा का पजामा, पजामे का नाड़ा सब हम इसी से परचेस करते हैं मार्केट से। सेंटो मेरी काफी चलती है, 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चल के भाई साहब बैटरी दे देंगे भैया हमें कोई सेकंड हैंड पुराने फिलहाल जब तक हमारी बैटरी नहीं आएगी जब तक के लिए। तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा उसके पता लग जाएगी। और मैं रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मुझे देख रहे भाई पगला आदमी क्या कर रहा है वो देख रहे। हमारे साथ जाने इंजीनियर साहब, भाई साहब का तो कार्ड जो है ना इंटरनेट पर डाल देंगे, ब्लॉग में डाल देंगे, कार्ड होने का चांस ही नहीं है। अच्छा ये बार कोड है कार्ड, इससे हो जाएगी स्कैन, इससे पता लग जाएगा बैटरी कब की, मैन्युफैक्चर डेट इसकी। लेकिन चलो अगर कंपनी बैकअप बना कर रखती है बस भाई, हम ही बैकअप बना के नहीं रखते तो चीज खराब हो जाती, काफी झंझट बाजी है जिंदगी में। दुनिया भर की आफतें ये आफत भी सामने होगी। हां ऐसा कार्ड था भाई, ये तो इंडो पावर का है, एक यहां चल रही है फास्ट ऑलिव गार्ड और इंड पावर। अबे यार क्या है, मतलब इतनी सारी बैटरी बना रखी है भैया। लेकिन चलो कस्टमर इधर नहीं जाएगा तो इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा तो इधर आएगा। वही वाली बात है ना, तुम समर एक्सपेरिमेंट देखोगे या समर ब्लॉक ऑफिशियल देखो, एक तो मुझे रहे भाई बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, दोबारा ये बैटरी लगानी पड़ रही है। तो भाई यहाँ तुम्हारा पॉपट हो गया, भैया ने निकाली और बैटरी का जुगाड़ नहीं हो पाया, इंडिया में भी जुगाड़ नहीं हो पाया बताओ यार। तो भैया अभी मजबूरन ये लेके जानी पड़ी, कल ये चेंज होगी क्योंकि इनकी बैटरी गई हुई है और जो बैटरी लगी वो चार्ज पे लगी हुई है, उनमें इतनी पावर नहीं है, इतनी पावर जितनी इसके अंदर पावर है। तो भाई एक ही बात है, उसे लगाओ इसे लगाओ। तो भाई चल रही है तो इतनी चला लेते हैं। भैया काफी बार कह रहे हैं कि अगर एमरोन की बैटरी होती तो भाई ये चेंज नहीं होती बिना कार्ड के, बिना वारंटी कार्ड के, लेकिन ये लिफ्ट फास्ट की लिफ्ट गार्ड की या इंड पावर की बैटरी होगी, मतलब चेंज होने के चांस है। हो गया बिल्कुल फिट, चलो भैया बैठ जाओ जल्दी से फटाफट। अबे यार काफी झंझट होगी। तो भाई इंडिया में होके जुगाड़ नहीं पाया, इन्होंने पहले बैटरी निकाल ली और उसके बाद पता लगी कि भाई बैटरी है ही नहीं। अबे भाई साहब यहाँ से निकालनी पड़ा, ऐसे गुस्से से काम ना चलता। छोटा तार ना लगाया क्या डिब्बी का तार? तो लगाया नहीं यार, जबक्के जा। और भाई डिब्बी का तार लगा रहे बोल के मेरी तरह। खोलना है, कितना से खुलेगा ये? खुल गया फटाफट। तो भाई बस हमारा सिर्फ धरकर पॉपट हुआ और उम्मीद नहीं थी गाइस ऐसा होगा। इनसे मैंने बात कर ली थी, कहते भैया आ जाओ बैटरी भी निकाल ली और बाद में भाई दोबारा बैटरी लगा। खैर जो बात है वो तो कल पता लग जाएगी, कल मैं कहूंगा गाइस टाइम मिलेगा तो आऊंगा ना, भाई तो आ जाएगा बैटरी चेंज होगी, कहने की भाई तुम्हारी बैटरी चेंज कर देंगे। इतना तो थोड़ी बात भाई की है कि भाई हमारी बैटरी चेंज होगी। गाइस बैटरी निकल के एक फायदा हो गया कि इन्होंने बैटरी चेक कर ली, हां कि बैटरी में प्रॉब्लम है, एक्चुअली बैटरी में दिक्कत है। तो गाइस बैटरी चेंज होकर ही आएगी, 10 से 12 दिन का टाइम बता रहे हैं। गाइस अगर वारंटी कार्ड होता ना इसका, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड, तो गाइस ये तुरंत हैंड टू हैंड चेंज करके देते नई बैटरी, बिल्कुल नहीं। 18 महीने की इसकी गारंटी आई थी, फिर भाई एक बार और कोशिश करेंगे कि इसका वारंटी कार्ड मिल जाए, मिल गई तो भाई सब बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे चेंज तो फ्री हो जाएगी। A few moments later. तो भाई यही करना पड़ेगा हमें, ये निकाल दिया तार। लो भैया अब ये सेव होगी, अब इसे कल स्टार्ट करेंगे। तो गाइस कल डेली जाना है, इसका वायर हम ऐसे लगा देंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर जो पावर है वो सेव रहेगी, जो सेंटर लॉक होता है ना वो भी थोड़ा पावर कंज्यूम करता है तो बैटरी बोल जाती है। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे खड़ी है और भाई अच्छे से लक्कर हमारे जिंदगी के एल लग गए हैं और पॉपट बन गया आज का भी। तो गाइस ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं, फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो सब प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भाई तो बताइए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।